मैन बैन 10,000 और प्राइम बैन 10,000 दोनों ही बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और अगर क्या होगा, इन दोनों की फाइट होती है, इन दोनों में आखिर पावरफुल कौन है, तो आज की इस ऑसम सी वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्या होगा अगर मैन बैन 10,000 और प्राइम बैन 10,000 की फाइट होती है, कौन इस फाइट को जीतेगा। चलिए जानते हैं कि इन दोनों में ज़्यादा पावरफुल कौन है। सो गाइज, अगर आपने अब तक हीरो नेटवर्क यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड गाइज, आप चाहे तो इंस्टाग्राम, ट्विटर और डिस्कॉर्ड पर ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दोनों की ओमनीट्रिक्स के अपीयरेंस के बारे में। सो वहीं पर बात करें अगर मैड बैन की फ्यूचर की, यानी कि मैड बैन 10,000 की, तो उसके ओमनीट्रिक्स का कलर ऑरेंज होगा और उस पर स्पाइक्स भी होंगे। और वहीं पर बात करें प्राइम बैन की फ्यूचर की, यानी कि बायो बैन की, तो उसके ओमनीट्रिक्स का कलर ऑब्वियस सी बात है ग्रीन ही होगा। और फैक्ट की बात तो ये है कि जो प्राइम बैन यानी कि बायो बैन है, उसके ओमनीट्रिक्स को एजमत ने नहीं बनाया, बल्कि उसने अपने स्मार्टेस्ट एलियन की हेल्प से अपना बायोमेट्रिक्स बनाया है। तो चलिए फिर से बात करते हैं मैड बैन की फ्यूचर की, क्या उसके पास ओमनीट्रिक्स होगा या फिर उसके पास बायोमेट्रिक्स होगा। तो यहाँ पर हम कुछ पॉसिबिलिटीज को देखने वाले हैं और उसके बेसिस पे ही हम इस बात को तय कर पाएंगे कि क्या मैड बैन की फ्यूचर में उसके पास बायोमेट्रिक्स होगा या नहीं। तो जैसा कि हम जानते हैं, जो मैड बैन है वो प्राइम बैन के मुकाबले ज्यादा गुस्सा करता है। और कई ज्यादा लोग ये भी जानते होंगे कि गुस्सा करने पर जो दिमाग है वो ज्यादा काम ही नहीं करता, जैसा मेरा भी है। अब क्या कर सकते हैं, गुस्सा तो सभी को आता है। और हम ये भी जानते हैं कि जो मैड बैन है वो ज़्यादा इंटेलिजेंट भी नहीं है एज कम्पेयर टू प्राइम बैन। और इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि मैड बैन फ्यूचर में शायद ही अपना बायोमेट्रिक्स जैसा टूल बना सकता है। तो इस बात को सुनकर जो 9 साल की पब्लिक है ना, वो कमेंट सेक्शन में जा चुकी होगी और कमेंट भी करने लग चुकी होगी कि अगर बैन 10 के प्राइम अपना एलियन की हेल्प से बायोमेट्रिक्स बना सकता है तो मैड बैन ऐसा क्यों नहीं कर सकता। तो भाई पूरी बात सुनो, उसके बाद अपना एक डिसीजन लो। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ऐसा क्यों है। जो बायोमेट्रिक्स बनाने से पहले मैड बैन को इस चीज़ के बारे में सोचना होगा कि क्या बायोमेट्रिक्स जैसी कोई टूल बन भी सकती है या नहीं, तभी ना वो बायोमेट्रिक्स को बना पाएगा। और ये बात तो हम सभी को पता है कि अब तक हमने बैन 10 प्राइम के ही फ्यूचर को देखा है, यानी कि फ्यूचर वर्जन को देखा है। तो ये बात तो हमें फ्यूचर में ही पता चलेगा कि क्या मैड बैन 10,000 के पास भी उसका अपना बायोमेट्रिक्स होगा या नहीं। लेकिन अभी के लिए हम ये मान लेते हैं कि मैड बैन 10,000 के पास भी उसका अपना एक बायोमेट्रिक्स है। तो दोनों की अगर फाइट होगी तो दोनों ही अपने पावरफुल एलियंस को चूज करेंगे फाइट करने के लिए, जो कि ओबीसी बात है एलियन एक्स ही होगा। सो यहाँ पर एलियन एक्स में ट्रांसफॉर्म होने से पहले दोनों को कुछ बातों का पता होना चाहिए कि अगर एलियन एक्स में ट्रांसफॉर्म होंगे तो उसे यूज करने के लिए कुछ परमिशन चाहिए। और हमने बैन 10 ओमनीवर्स में देखा था कि बैन 10 प्राइम को फुल कंट्रोल मिल चुका था एलियन एक्स में, जिसका मतलब यह है कि बैन 10,000 एलियन एक्स का यूज कर सकता है, लेकिन जो मैड बैन 10,000 है वो शायद नहीं कर सकता। और अगर मैड बैन 10,000 एलियन एक्स में ट्रांसफॉर्म होता है तो आपको पता ही होगा कि मैड बैन 10,000 थोड़ा सा बेवकूफ भी है, जिसकी वजह से उसे एलियन एक्स के दोनों ही कॉन्शियसनेस को मनाने में काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है। यहाँ पर एक और पॉसिबिलिटी आती है कि मैड बैन 10,000 वेविक में ट्रांसफॉर्म हो जाए, क्योंकि हमने देखा है जब भी मैड बैन ज्यादा गुस्से में होता है तो उसने वेविक को ही चूज किया है ट्रांसफॉर्म होने के लिए, जैसा कि हमने बैन 10 की सीरीज ओमनीवर्स में देखा था। और फिर मैड बैन 10,000 को एलियन एक्स की पावर्स का इतना ज्यादा अंदाजा भी नहीं है, या यूं कह लें कि नॉलेज भी नहीं है। और अगर वो वेविक बनता है तो बैन 10 प्राइम के लिए बड़ी आसानी होगी उसे हराने में। इसका मतलब यह है कि जो प्राइम बैन 10,000 है वो मैड बैन 10,000 को बड़ी आसानी से डिफीट कर सकता है। हमने बैन 10 ओमनीवर्स में देखा था कि बैन 10 प्राइम को एलियन एक्स का फुल कंट्रोल मिल गया था। तो यहाँ पर एक और चीज मैटर करती है, जो कि पीस ऑफ माइंड, जिसकी मैड बैन के अंदर काफी ज्यादा कमी है। और मैड बैन काफी ज्यादा घमंडी भी है, जो कि उसकी हार का रीजन बन सकते हैं। और यहाँ पर बैन 10 प्राइम के लिए एक और पॉसिबिलिटी है कि वो एटॉमिक एक्स में ट्रांसफॉर्म होगा, जो कि वो होता ही है ज्यादातर, और उसी में ट्रांसफॉर्म होकर वो बड़ी आसानी से मैड बैन 10,000 को डिफीट कर सकता है। मैड बैन 10,000 इसलिए हारेगा क्योंकि मैड बैन 10,000 के अंदर पीस ऑफ माइंड की कमी है और वो गुस्सा ज्यादा करता है, और गुस्सा ज्यादा करने की वजह से वो कोई ना कोई गलती जरूर करेगा और जिसकी वजह से वो हार जाएगा। इस सबसे एक ही कंक्लूजन निकल के आता है, जो कि है अगर बैन 10,000 प्राइम और मैड बैन 10,000 की फाइट होगी तो बैन 10,000 प्राइम के जीतने के चांसेस ज्यादा होंगे। और अगर अभी भी आपको समझ नहीं आया कि कैसे मैड बैन 10,000 हार जाएगा, तो मैं आपके लिए केक रेसिपी देता हूँ। प्राइम बैन 10,000 मैड बैन 10,000 को हरा देगा, क्योंकि पॉइंट नंबर वन, जो मैड बैन 10,000 है उसके अंदर पीस ऑफ माइंड की कमी है, और पॉइंट नंबर टू, जो मैड बैन 10,000 है उसे ओमनीट्रिक्स और एलियन एक्स की पावर्स के बारे में ज्यादा पता नहीं है, और पॉइंट नंबर थ्री है कि उसका एंग्री नेचर, यानी कि वो ज्यादा गुस्सा करता है, जो कि उसकी हार का रीजन बनेगा। सो गाइस, इन सब पॉइंट्स के बेस पर मैं कह सकता हूँ कि प्राइम बैन 10,000 मैड बैन 10,000 को हरा देगा। एंड गाइस, अगर अभी भी आपको समझ नहीं आया कि इस वीडियो में मैंने आपसे क्या कहा और कौन कौन से पॉइंट्स आपको समझाने की कोशिश की है, तो बच्चा छोड़ दे, तुझसे ना होगा, तू पोगो देख जाकर।
तो गाइस आज की वीडियो पर इतना ही। आई होप कि आपको पसंद आएगा। एंड गाइस प्लीज पसंद आया तो सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे ऐसी ऑसम वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू एंड हैव नाइस डे।